हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इष्टदेव महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। परेशानियों से इतने घिरे हैं कि कोई रास्ता ही नहीं दिखता, बीमारी में इतने घिरे हैं कि बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। यदि आपके साथ ऐसी परेशानियां हैं जीवन में, आपने बहुत कुछ कर लिया है, हर तरह से थक गए हैं, कोई व्यक्ति आपके घर का बीमार है, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार है, कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया है, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं बीमारी को। आप जानते हैं देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय देव हैं, मृत्यु के भी देवता हैं, काल के भी काल है, महाकाल है वो। स्वयं जो यमराज हैं वो भी शंकर को ध्याते हैं, शंकर को गुरु मानते हैं। ग्रहों के राजा जिन्हें माना जाता है शनिदेव महाराज, वो भी स्वयं शिव को ध्याते हैं, सूर्य महाराज शिव को ध्याते हैं, हर देवी देवता शिव को ध्याता है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं सबके देव महादेव हैं। जैसे परिवार वालों का एक मुखिया होता है ना, घर में पिताजी होते हैं, पिताजी के भी पिताजी होते आगे, इनको दादाजी बोलते हैं, वैसे ही हमारे शंकर दादा है। मानव के कष्ट दूर करते हैं देव, देवों के कष्ट दूर करते हैं महादेव। और यदि आप महादेव की पूजा करते हैं तो एक चीज लिख लीजिए और निश्चित कीजिए, कोरे कागज पर लिख लीजिए कि यदि आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो आप मानव नहीं है, आप देवता हैं। याद रखना इस चीज को, कोई ना कोई पिछले जन्म का आपका संबंध है महादेव से, क्योंकि महादेव की भक्ति मिलना कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है, बहुत बड़ी बात है। महादेव की भक्ति में लीन होना, महादेव का नाम जपना, महादेव पे आस्था रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कहा जाता है कि यदि महादेव की भक्ति किसी को मिली है तो ये तो निश्चित है कि वो शिव लोक का ही आत्मा का कोई अंश है और वो शिवलोक में ही वापी जाएगा। ऐसी आत्माएं धरती पे भेजी जाती है किस लिए? लोगों के दुख कष्ट दूर करने के लिए और कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। जो भी शिव के भक्त होते हैं बहुत प्रचलित होते हैं, याद रखना, वो किसी भी कार्यों में होगी, किसी भी क्षेत्र में होगी तो उनका औहदा बहुत बड़ा होता है। इस चीज को आपने देखना, यदि वो जॉब करते हैं, शिव के भक्त हैं, तो कोई अच्छी जॉब में होगी, उनका औहदा कुछ अलग ही होगा। किसी भी क्षेत्र में है वो व्यक्ति, व्यापार क्षेत्र में होगा तो उसका एक अलग ही लेवल पे होगा वो इंसान, बहुत बड़े लेवल पे होगा। कुछ भी कार्य कर रहा है यदि शिव का भक्त है कोई, वो साधारण नहीं होता भैया, अलग ही होता है वो, क्योंकि उसके साथ कोई एक शक्ति नहीं चलती, उसके साथ 33 कोटि देवी देवता उसको नमन करते हैं। याद रखना इस चीज को, भले ही वो साधारण रहता है, मनुष्य शरीर मिला है उसको, मनुष्यों में आया है, प्रभु श्री राम भी आए थे जो साक्षात विष्णु जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक ही है, जगत पालक
जगत सर्जक, जगत रचयिता, ऐसे व्यक्ति के साथ जो शिव का भक्त होता है, क्योंकि शिव को स्वयं विष्णु जी भी ध्याते हैं, ब्रह्मा जी भी ध्याते हैं, देवों के देव महादेव महाकाल, जगत जननी आदि शक्ति माँ भवानी साथ विराजती है, शक्ति स्वरूपा, श्रद्धा स्वरूपा, शिव विश्वास स्वरूप है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत विशेष कृपा रहती है शिव की। और यदि आप शिव पे विश्वास करते हैं, शिव पे विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि शुरुआत भी उनसे है, अंत भी उनसे ही है। तो आज जो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं रोग मुक्ति के लिए, महामृत्युंजय देव हैं शिव, आपने देखा होगा बहुत ही प्रचलित कहानी भी है इनकी कि काल को भी इन्होंने रोक दिया था। ऋषि मार्कंडे की तो आपने कहानी सुनी ही होगी, वो प्रसंग बहुत ही खूबसूरत है जब महाकाल स्वयं प्रकट हो गए थे उनकी जान बचाने के लिए। तो ऐसे है मेरे महादेव, आपको क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में है, आपको रात के 9:15 9:15 पे, अब आप बोलेंगे इस वक्त क्या है, अब इसके ऊपर बड़ा लॉजिक अगर मैं शुरू कर दूंगा कि इस वक्त क्या है तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, सिर्फ उतना कीजिए आम खाइए। रात को 9:15 पे आपको एक लोटे में जल लेना है और उसमें एक आंवला डालना है, आंवला हो, यदि नहीं है तो सूखा आंवला भी चलेगा, यदि वो भी नहीं तो आंवला की पत्ती भी चलेगी। तीन ऑप्शन दे दिए, या तो आंवला हो हरा, या फिर सूखा हो वो भी चलेगा, या फिर पत्ती हो आंवले की वो भी चलेगी। आपको शिव पे अभिषेक करना है, उस व्यक्ति के नाम से संकल्प लेना है कि भाई ये व्यक्ति है बीमार है, इसको ठीक कीजिए, इसकी बीमारी जो भी बीमारी जो कुछ भी आपने बता देना, और वहां पे ये आपने निरंतर करते रहना है। 5 या 7 दिन के भीतर आप स्वयं इसका फर्क देखेंगे। यदि घर में शिवलिंग है तो वहीं पे करें, नहीं तो मंदिर जाए नजदीक में। अब बोलेंगे जी नजदीक में नहीं है मंदिर, तो फिर रहने दे, जब कभी मंदिर नजदीक बनेगा तो तब करें, क्योंकि लोग इतने आलसी है कुछ करना ही नहीं चाहते, वहां लाखों रुपए खर्च करेंगे हॉस्पिटल में, लेकिन छोटे छोटे उपाय हैं ये करते नहीं है। थोड़ा सा दूर मंदिर होगा तो वहां जाइए, कोई बात नहीं, एक दिन आप यदि 9:30 तक रह लेंगे मंदिर के पास तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। मंदिर जाने को ही बोल रहे हैं हम आपको, मदिरा पान करने को नहीं बोल रहे। तो ऐसा करें यदि जीवन से आप छुटकारा चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा चाहते हैं। इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यदि व्यक्ति खुद बीमार है तो अपने नाम से कर सकता है। ये प्रयोग करें और जल्द से जल्द आपको सुख शांति मिलेगी और आप बीमारी से बाहर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।